वेलकम टू आवर चैनल अंकु एंड मनिया। आज हम बात करेंगे साइलेंस के बारे में। तो दोस्तों, साइलेंस क्या होता है? साइलेंस शांत की क्या डेफिनेशन है अपने, और इसमें किस तरह ये युवाओं पे काम करता है साइलेंस, तो इसको मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक समय में एक राज्य में राजा ने अनाउंस किया कि जो अच्छी पेंटिंग बना के लाएगा उसको मैं बहुत बड़ा प्राइज दूंगा, जो पहली पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसको। तो वो पेंटिंग का टाइटल दिया था कि साइलेंस, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए साइलेंस को। तो उस समय क्या हुआ कि अनेकों बड़े बड़े जो पेंटर थे उन्होंने पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग बनाई तो उनमें से दो पेंटिंग को चुना गया। तो दो पेंटिंग जहाँ राजा के जो मंत्री थे उन्होंने दो पेंटिंग ले जाके राजा के सामने रख दी। अब राजा को दो पेंटिंग में से एक पेंटिंग को चुनना था, क्योंकि एक ही अवार्ड था उसलिए एक ही पेंटिंग को दे रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि जो पहली पेंटिंग थी उसमें ये था कि वहां पे उस पेंटिंग में पूरा शांत वातावरण था, इवनिंग का टाइम दिखाया हुआ था और चारों तरफ शांति थी, झरने भी शांत थे, वहां नदियां भी शांत दिखाई हुई थी, कोई वहां आ नहीं जा रहा था और वहां पर कोई आंधी वादी नहीं चल रही थी, और इस पेड़ के नीचे एक जो बैठ रहे साधु था सन्यासी था वो ध्यान में बैठा था। दोस्तों, दूसरी जो पेंटिंग थी उसमें क्या था कि बादल दिखाई हुए थे, कड़कती बिजली, बरसात हो रही थी, चारों तरफ आंधी तूफान आ रहे थे, और वहां पे कोई भी ऐसे पूरा जो वहां पर नेचर था पूरा सुरगुल हो रहा था। तो वहां पे एक पेड़ पे एक जो चिड़िया बैठी थी वो अपने बच्चे को दाना दे रही थी। तो आप बताओ उनमें से किस को फर्स्ट प्राइज मिला होगा। तो दोस्तों, जो सेकेंड थी जिसमें वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही थी, उस पेंटिंग को अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, शांत होने का मतलब भी नहीं होता कि आप बाहर दिखावा कर रहे थे मैं शांत हूँ। ऐसा अपन देखते हैं कि लोग दिखावा करते हैं कि बाहर से बहुत, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं। ये युवाओं में बहुत देखा जाता है कि जो कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं बच्चे अंदर ही अंदर किसी प्रति वैर भाव या दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि शांति क्या है, दुनिया को दिखाना वो शांति नहीं है। आपके अंदर की दुनिया में जो उथल पुथल है वो ना हो, वो आपकी शांति है। जब आप शांत होते हो तो आपकी सफलता के दरवाजे खुलते हैं, और जब आप शांत नहीं होते तो आप उस चीज को आप भूल जाते हो, कई चीजों के प्रति जो क्रोध है उसको आप शरण में चले जाते हो। तो होता क्या है, वो ये बात उसी तरह है जैसे आपने आपको शीशे में अपना मुंह देखना है, और शीशा साफ ना हो तो क्या आप अपनी शक्ल देख पाओगे? नहीं देखो। तो शीशे को साफ करना जरूरी होता है। इसी प्रकार जो धैर्य होता है, उस धैर्य साइलेंस के शांत होता है, वही उसी के कारण आदमी मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और बगुले का भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि बगुला कितना शांत खड़ा होता है, और जब उतना शांत खड़ा होता है तो वो उतने ही जल्दी अपने शिकार को पकड़ता है। यहाँ पर बगुले को हम युवा पीढ़ी को ले सकते हैं, और जो शिकार है उसकी सक्सेस को ले सकते हैं। जितना आप शांत होकर कोई काम करते हैं उतने ही आपकी सक्सेस रेट जल्दी प्राप्त होती है, नहीं तो आप कितनी मेहनत करते हो आप उतना कामयाब नहीं हो पाओगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ डॉक्टर मनीष कुमार सोनी, यूट्यूब चैनल अंकु एंड मनिया। थैंक यू।